नमस्कार, मैं हूं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली पार्टी AIMIM के बारे में। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजे आ गए हैं। बिहार में एक बार फिर से राजद सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है। वहीं इधर बिहार में इस बार भाजपा के सीटों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। भाजपा बिहार में 74 सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल रही है। वहीं जदयू तीसरे नंबर पर पहुंच गई है और इसे मात्र 43 सीटें ही मिली है। वहीं इन सबसे अलग जिस पार्टी का बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है वो है AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल की है। बिहार में ओवैसी की पार्टी को जहां वोट कटवा पार्टी कहा जा रहा था, लेकिन 5 सीट जीत जाने के बाद इसने इन सभी कयासों पर विराम लगा दिया है। आपको बता दें कि ओवैसी की पार्टी को 2019 लोकसभा चुनाव में 2 लाख से भी अधिक वोट मिले थे। फिर उसके बाद 2019 में ही बिहार विधानसभा के उपचुनाव में AIMIM चुनावी मैदान में उतरी थी। इस बार किशनगंज सीट जीतने में कामयाब रही। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं उन सीटों के बारे में जहां से AIMIM के 5 विधायक जीते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बायसी विधानसभा सीट के बारे में। इस सीट पर AIMIM के सैयद रुकुद्दीन अहमद को जीत मिली है। बायसी सीट पर भाजपा, राजद और AIMIM के बीच में कांटे की टक्कर थी, जिसमें AIMIM को जीत मिली। वहीं अगर हम वोट की बात करें तो राजद के उम्मीदवार अवधौश शुभन को 38,254 वोट मिले। वहीं भाजपा के उम्मीदवार विनोद कुमार को यहां 51,850 वोट मिले, जबकि AIMIM के उम्मीदवार रुकुद्दीन अहमद को 68,416 वोट मिले। और इस तरह से AIMIM को 16,000 वोटों से जीत मिल गई। अब आगे हम बात करेंगे अमौर की। अमौर विधानसभा सीट से भी AIMIM को ही जीत मिली है। यहां से अख्तरुल इमाम को जीत मिली है। अमौर विधानसभा सीट पर कांग्रेस, जदयू और AIMIM के बीच में कड़ा मुकाबला था, जिसमें AIMIM को जीत मिली है। वहीं अगर वोट की बात करें तो कांग्रेस को 31,863 वोट मिले हैं, तो वहीं जदयू के सवा जफर को 41,944 वोट मिले हैं। AIMIM के उम्मीदवार अख्तरुल इमाम की बात करें, इन्हें 94,459 वोट मिले हैं। अख्तरुल इमाम यहां से 52,515 वोट से उन्हें जीत मिली है। आगे हम बात करेंगे कोचाधामन की। कोचाधामन सीट पर भी AIMIM के उम्मीदवार को जीत मिली है। यहां जदयू, राजद और AIMIM के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन यहां आखिरी में AIMIM के उम्मीदवार को जीत मिली। वहीं अगर हम वोट की बात करें तो यहां जदयू के मुजाहिद आलम को 43,750 वोट मिले, तो वहीं राजद के मोहम्मद शाहिद आलम को 26,134 मत मिले। अब बात AIMIM की करें तो इसके उम्मीदवार मोहम्मद इजहार असफी को 79,893 वोट मिले और हार जीत के अंतर को देखें तो AIMIM के उम्मीदवार 36,072 वोट से जीत गए। अब आगे हम बात करेंगे बहादुरगंज की। बहादुरगंज विधानसभा सीट पर कांग्रेस, VIP और AIMIM के बीच में मुकाबला था, जिसमें से AIMIM के उम्मीदवार मोहम्मद अंजार नईम को जीत मिली है। वहीं अगर हम वोट की बात करें तो कांग्रेस उम्मीदवार तौसीफ आलम के खाते में 29,819 वोट मिले, तो वहीं VIP के उम्मीदवार लखनलाल पंडित को 44,494 वोट मिले। वहीं अगर हम AIMIM के उम्मीदवार मोहम्मद अंजार नईमी को 85,472 वोट मिले हैं। इसके साथ ही हार जीत की बात करें तो AIMIM के उम्मीदवार 44,978 वोट से जीत गए हैं। अब आगे हम बात करेंगे जोकीहाट विधानसभा की। जोकीहाट विधानसभा सीट पर AIMIM के उम्मीदवार की जीत हुई है। जोकीहाट विधानसभा सीट पर AIMIM की पार्टी को ही जीत मिली है। इस विधानसभा सीट पर राजद, भाजपा और AIMIM के बीच में कड़ा मुकाबला था, जिसमें AIMIM के उम्मीदवार को जीत मिली। वहीं अगर हम वोटों की बात करें तो भाजपा के उम्मीदवार रणजीत यादव के खाते में 48,800 वे वोट गई है, तो वहीं राजद के उम्मीदवार सरफराज आलम के खाते में 51,980 वोट गए हैं, जबकि AIMIM के उम्मीदवार शहनवाज के खाते में 59,523 वोट मिले हैं। अगर हम हार जीत की बात करें तो 7,543 वोट से AIMIM के उम्मीदवार को जीत मिली है। बिहार विधानसभा चुनाव में स्पष्ट जनादेश नहीं मिलने पर AIMIM किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है। ऐसी ही ताजा तरीन वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।